मैं लेके आई हूँ बच्चों की छोटी सी भूख के लिए बहुत ही हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती रहती है, तब आप ये वाली रेसिपी बच्चों को बना के दे सकते हैं। बहुत हेल्दी है, इसमें हमने मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है, गेहूँ के आटे से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी ये रेसिपी बनती है। आप इसको 15-20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देख लेते हैं आज की बच्चों की फेवरेट और बच्चों के लिए हेल्दी रेसिपी। रेसिपी देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी में 300 ग्राम गुड़ को मेल्ट कर लिया है। अगर आप गर्मियों में गुड़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे 2 कटोरी चीनी को भी सेम तरीके से मेल्ट कर सकते हैं, चाशनी बना सकते हैं। 1 तार की चाशनी ने सिर्फ चीनी को पानी पे मेल्ट करना है, या आप जैगरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो गुड़ की शक्कर आती है। अब मैंने यहाँ पे ये गेहूँ का आटा लिया है, 1 किलो गेहूँ का आटा लिया है। उस पर मैं 1 कप सूजी लूँगी, जो हमारे घर पे नॉर्मल सूजी आती है, पतली मोटी, आपके पास जो है आप वो डाल सकते हैं। 1/2 कप ही मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, और 1 कप मैंने यहाँ पे बादाम को कोर्स टेक्सचर में ग्राइंड किया है, उसे डाल देंगे। 2 चम्मच मैं यहाँ पे सौंफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे डाल देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मोइन के लिए ऑयल लिया है, और इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से हाथों से मैश कर लेंगे। आप यहाँ पे काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, जितना आप इसको हेल्दी बनाना चाहते हैं आप उतना बना सकते हैं। अब हमने जो ये गुड़ का पानी था इसको मैंने छान लिया है, और अब इसको मैं धीरे धीरे आटे में डालते हुए इसका एक अच्छा सा डो बना लूँगी। आप अगर गुड़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो चीनी का पानी ले सकते हैं, गुड़ की शक्कर का पानी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने डो बना लिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखूंगी, क्योंकि हमने इस पे सूजी का इस्तेमाल किया है तो वो अच्छे से सेट हो जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे कवर लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तो मुझे यहाँ पे आधे से 1 घंटा हो गया था, तो सूजी यहाँ पे काफी अच्छे से मेल्ट हो गई है। एक बार हम इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आटे का एक बड़ा सा डो ले लेंगे। इस तरीके से बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और 15-20 दिन तक आराम से चलती है। तो इस तरीके से बड़ा सा हमने डो लिया है, इसको इस तरीके से राउंड कर लेंगे। थोड़ा सा ये गुड़ मैंने इस पे डाला तो थोड़ा सा यहाँ पे सख्त हो जाता है आटा, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से रोल करना होता है। अब इसकी हम एक बड़ी सी मोटी सी रोटी बना लेंगे। तो ये देखिए ये रोटी बन चुकी है। अब ये मैंने यहाँ पे इतनी मोटी रखी है, बहुत मोटी भी नहीं रखनी और बहुत पतली भी नहीं रखनी है। अब यहाँ पे आप अपने मनपसंद डिज़ाइन इस पे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर शेप में कट करूँगी। छोटे छोटे से बिस्किट बच्चों को अच्छे लगते हैं ना, वो अट्रैक्टिव होते हैं कि ये छोटे छोटे से बिस्किट है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे इस तरीके से कट कर लूँगी। ये देखिए, तो एक बार बैठ के ना ऐसे ही सारे मैं इनको कट कर लूँगी आराम से बैठ के। इससे जो हमारा काम है ना वो काफ़ी हल्का हो जाता है। एक बार सारे बैठ के कट कर लेंगे और उसके बाद आराम से इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे ही इस तरीके से कट कर लिए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है, मस्टर्ड ऑयल छोड़ के आप किसी भी ऑयल पे इनको आप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल पे ही हम इनको फ्राई करेंगे। तो धीरे धीरे ही हमें इन्हें सेकना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे क्योंकि थोड़े से मोटे हैं। तो मीडियम हॉट ऑयल पे ही हम इनको फ्राई करेंगे। एक एक करके सारा डाल देंगे और एक बार इस तरीके से इनको हिला लेंगे। तो 3-4 सेकंड के बाद हम इनको धीरे धीरे पलटेंगे, और अलटते पलटते हुए इनको हमें अच्छे से सेक लेना है। ध्यान रहे कि हाई फ्लेम पे नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये बाहर से तो कलर इन पे आ जाएगा, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, फिर खाने में ना मज़ा नहीं आता है। तो बस इसी तरीके से इसको अलटते पलटते रहना है। आपको एक बैच सेकने में ना 5 से 6-7 मिनट लग जाएगा। तो यहाँ पर इस पर अच्छा सा कलर और अंदर से सीख चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और आप ना इसको बिल्कुल भी, ये ऑयली नहीं होते हैं, जब आप इसको खाएंगे बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेंगे। तो ये देखिए हमारी ये जो खजरे है ना ये बनके तैयार है। अब वापस से हम
एक और बैच इस पे ऐसे ही डाल देंगे और इसी तरीके से हम सारे अपने खजूर को तल लेंगे। तो ये हमारी पहाड़ी रेसिपी है। हमारे पहाड़ों में ना जब बच्चों को भूख लगती है तो घर पे अक्सर ही माएँ जो होती है ना वो इस तरीके से बना के बच्चों के लिए रख देती हैं, क्योंकि गांव घरों में इतने बिस्किट वगैरह बच्चों के लिए नहीं होते हैं। और ये हेल्दी रेसिपी भी होती है, गेहूं के आटे और सूजी से हम इसको बनाते हैं। तो ये भी मेरे फ्राई हो चुका है ये वाला बैच भी, और इसको भी निकाल दूँगी। और सेम तरीके से ही हम अपने सारे खजरों को तल लेंगे। तो बस ये तैयार है, मेरे सारे बैच बनके तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू इस टाइम पे आती है। आप इसको शाम की चाय या सुबह के नाश्ते में भी, आप इसको दूध के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और बच्चे तो पूरा दिन भर इसको एक एक दो दो निकाल निकाल के खाते रहते हैं। बच्चों की तो ये बहुत फेवरेट रेसिपी होती है। मेरे घर पर तो ये बनते ही एक हफ्ते के अंदर ही सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बस ये तैयार है। और कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए। ये देखिए बिल्कुल भी इस पर ऑयल नहीं है, आपको देखोगे तो बिल्कुल ऑयल नहीं लगेगा। हेल्दी रेसिपी है, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, आटे से बनी हुई, अंदर तक ये बहुत अच्छे से कुक हुई है। आप जब इसको खाएंगे बहुत सॉफ्ट और मुलायम ये होती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी ये बहुत फेवरेट रेसिपी होती है, बड़े लोग भी इसको शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ।